मॉडर्न पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पापा ऑफिस में पहुंचे ही थे कि स्कूल से फ़ोन आया। सुरीली आवाज़ में एक मैम बोली, सर आपकी बेटी जो सेकंड क्लास में है, मैं उसकी क्लास टीचर बोल रही हूँ। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा, आप अपनी बेटी के साथ टाइम से पहुँचे। बेचारे पापा क्या करते, आदेश के पाबंद, तुरंत छुट्टी लेकर घर से बेटी को लेकर स्कूल पहुँच गए। सामने गुलाबी साड़ी पहने, छोटी सी बिंदी लगाए, नई उम्र की गोरी सी लेकिन बेहद तेज मैम बैठी थी। पापा कुछ बोल पाते कि इससे पहले लगभग डांटते हुए बोली, आप अभी रुकिए, मैं आपसे अलग बात करूंगी। मैम बहुत गुस्से में लगती हैं, बेटी ने धीरे से कहा, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है। उसी तरह पापा भी धीरे से बोले, पता नहीं पापा, मैंने तो देखा नहीं। बेटी ने अपना बचाव किया। मुझे भी लगता है आज तुम्हारी मैम तुम्हारे साथ मेरी भी क्लास लेंगी। पापा खुद को तैयार करते हुए बोले। वो दोनों आपस में फुसफुसा ही रहे थे कि तभी मैम खाली होकर बोली, हाँ अब आप दोनों भी आ जाइए। पापा किसी तरह उस शहद भरी मिर्ची सी आवाज़ के पास पहुँचे और बेटी पापा के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। मैम देखिए, आपकी बेटी की शिकायत तो बहुत है, लेकिन पहले आप इसकी परीक्षा की कॉपियां और रिपोर्ट देखिए और बताइए इसको कैसे पढ़ाया जाए। मैम ने सारांश में लगभग सारी बात कह दी। मैम पहले इंग्लिश की कॉपी देखिए, फेल है आपकी बेटी। पापा ने एक नज़र बेटी को देखा जो सहमी सी खड़ी थी, फिर मुस्कुरा कर बोले, मैम अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, इस उम्र में बच्चे अपनी ही भाषा नहीं समझ पाते। इतना मैम को चिढ़ने के लिए काफ़ी था। मैम अच्छा, और ये देखिए ये हिंदी में भी फेल है, क्यों? पापा ने फिर बेटी की तरफ देखा, मानो उसकी सारी नज़रें सॉरी बोल रही हों। पापा मैम हिंदी एक कठिन भाषा है, ध्वनि आधारित है, इसको जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। अब आपके इंग्लिश स्कूल में कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला नहीं होगा। पापा की बात मैम बीच में काटते हुए बोली, अच्छा तो आप और बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जो? इस बार पापा ने मैम की बात काट कर बोले, और बच्चे क्यों फेल हुए ये मैं नहीं बता सकता। मैं तो, मैम चिढ़ते हुए बोली, आप पूरी बात तो सुन लिया करो, मेरा मतलब था कि और बच्चे कैसे पास हो गए, फेल नहीं। पापा ने मैम को बीच में रोककर खोजती हुई निगाह से बोले, वो सब छोड़िए, आप कुछ भूल रही हैं, इसमें गणित की कॉपी कहाँ है, उसका रिजल्ट तो बताइए। मैम मुंह फेरते हुए, हाँ उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पापा
फिर भी जब सारी कॉपियां दिखाई दी तो वह भी कोई बाकी रहे। मैम ने इस बार बेटी की तरफ देखा और अनमने मन से गणित की कॉपी निकाल कर दे दी। गणित का नंबर और विषयों से अलग था 100%। मैम अब भी मुंह फेरे बैठी थी लेकिन पापा पूरे जोश में थे। पापा, हाँ तो मैम, मेरी बेटी को इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मैम, धीरे से, मैं। पापा, और हिंदी कौन पढ़ाता है? मैम, मैं। पापा, और कंप्यूटर कौन पढ़ाता है? मैम, वो भी मैं। पापा, अब ये भी बता दीजिए कि गणित कौन पढ़ाता है? मैम कुछ बोल पाती, पापा उससे पहले ही जवाब देकर खड़े हो गए और बोले, मैं। मैम, हाँ पता है। पापा, तो अच्छा टीचर कौन है? दोबारा मुझसे मेरी बेटी की शिकायत मत करना, बच्ची है, शरारत तो करेगी ही। मैम तिल मिलाकर खड़ी हो गई और ज़ोर से बोली, मिलना तुम दोनों आज घर पर, दोनों बाप बेटी की अच्छे से खबर लेती हूँ।